सह नववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वा वहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 वेदोक्त वाणी व्यवहार के स्वाध्याय में आप सभी दर्शकों का श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है वेदो, अखिलो धर्म मूलम वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा अपने आचरण मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का आर्यों का परम कर्तव्य है कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय करने से हमारा संपूर्ण जीवन सुव्यवस्थित अनुशासित मर्यादित हो ऐसी हमारी श्रद्धा भक्ति के साथ जब हम निरंतर किसी न किसी वेद मंत्र का स्वाध्याय करते हैं और उसका जो अभिप्राय है उसका जो तात्पर्य है उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो निसंदेह है, हमारे संपूर्ण जीवन का उत्कर्ष होता है हम अपने पारिवारिक सामाजिक राष्ट्रीय और वैश्विक जो उत्तरदायित्व है या जो जिम्मेदारी है जो हमारा कर्तव्य है उसका हम पालन ठीक ठीक करने में सक्षम हो जाते हैं हमारी ऋषि परंपरा जो सनातन परंपरा रही है यह कभी भी ऐसा नहीं है कि कभी थी नहीं है या नहीं होगी ऐसा कभी नहीं हुआ जब तक इस धारा पर मनुष्य का जीवन है तब तक यह वेद वाणी उस परमात्मा की कल्याणी वाणी सबका कल्याण करने वाली रहेगी क्योंकि भारत वर्ष अध्यात्म का देश है अध्यात्म पूरे संसार के लिए भारत देश अध्यात्म का देवता है त्याग और तपस्या का देवता जैसा देश है और इस देश में रहने वाले सभी भारतीय सभी ऋषि परंपरा के संवाहक हम सब का यह उत्तरदायित्व तो है कि हम ऋषियों जैसा जीवन जीने का प्रयत्न करें ना केवल इसको पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना अपितु तो इसको अपने जीवन में उतारना मन में वाणी में व्यवहार में परिलक्षित तो होना चाहिए यह उपदेश यह संदेश जिससे संपूर्ण जीवन हमारा धन्य हो और यह राष्ट्र यह विश्व भी धन्य हो ऐसी हमारी धारणा हो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय कर रहे हैं और लगभग हमने पचहत्तर छिहत्तर सूक्तों के जो वाणी के विषय में मंत्र आए थे उनका स्वाध्याय किया था आगे और हम चर्चा करेंगे और आज हम चर्चा करेंगे इसी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के उन्यासीवें सूक्त का और इसमें बहुत ही सुंदर बात कही है इस के दसवें मंत्र में जो जीवन का संपूर्ण सदुपयोग हो कल्याण हो तो दसवें मंत्र को मैं आपके समक्ष लिखता हूं फिर चर्चा करता हूं ओम प्रा পুতা স্টিগমা শ্রোচিসে पोतास्तिम्मा पोतास्तिमा श्रोतिषे प्रोचिषे उवाचो गौतम वाचो गोतमग्नए भरस्व सुमन युर्गिहा सुम नजर गिर रहा ऋग्वेद के प्रथम मंडल का यह उन्यासीवा सूक्त है जिसका यह दसवां मंत्र है ओम प्रा प्रापोतस्तिग्मा शोचसे वाचो गौतमाग्नय भरस्व सुम ओम ओ तिग्मा शोच वाचो गौतमाग्नय भरस्व सुमन बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है जो इसके पहले के भी मंत्र हैं उनमें भी जीवन को हम कैसे समुन्नत करें कैसे अपने जीवन को सार्थक बनाए उसके विषय में कहा है जान का धारण करना जान के बिना व्यक्ति का जीवन कभी उत्तम हो ही नहीं सकता है क्योंकि जान ही मनुष्य को सब जीव जंतुओं से ऊपर उठाता है धर्म का स्वकर्म का कर्तव्य का पालन ही मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी निधि है सबसे बड़ा अलंकार है सबसे बड़ा आभूषण है तो सातवें मंत्र में यहां कहा कि हे प्रभो आपकी वंदना करते हुए हम जान प्राप्ति के कर्म में सफल हों और जब ज्ञान प्राप्ति का जो यह उद्यम है पुरुषार्थ है कर्म है उसमें सफल होंगे तो जीवन स्वयं सफल हो जाता है उसका आचरण करने से और योग्य वरेण्य जो धन है प्रभु हमें वह धन प्राप्त कराएं जो हमारी क्षुधा आदि से जनित विपत्तियों को दूर करे हमें श्रेष्ठ बनाए और वासना जो काम आदि हैं उनसे दूर हो उनका विध्वंस हो और जान के परिणाम क्या है जान का परिणाम यही है कि जैसा हमने जाना माना और वैसा जीना इस संसार के स्वरूप को समझ लेना अपने जीवन की और इस जगत की जो उपयोगिता है जो इसकी सारता है कितना ये हमारे लिए उपयोगी है कितना हमको इसमें संलग्न होकर के कार्य करना है अपने कर्तव्यों का पालन करना है उतना समझना और वैसा आचरण करना और नवे मंत्र में कहा कि धन जान से युक्त तो हो मात्रा में इतना कि पोषण के लिए पर्याप्त तो हो कबीरा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए तो ये जो अत्यंत त्याग की भावना अत्यंत वैराग्य की भावना उसको मूल में रख करके हम जब जीवन जीते हैं तो वह हमारे जीवन में शांति प्रदान करने वाला होता है अशांति कब हमको मिलती है जब हमारा तन मन धन लोभ में परिवर्तित हो जाता है अपने शरीर के आकर्षण से अहंकार की पुष्टि करना दूसरों के शरीर को देख करके उसको ही समझना कि ये तो नित्य है लोभ की प्रवृत्ति शरीर सुख की प्राप्ति संसाधन के प्रति लोभ ये जो प्रवृत्ति है ये क्यों क्योंकि संतोष नहीं है धन जानपूर्वक हमने नहीं कमाया धन हो लेकिन धर्मयुक्त हो इसलिए कहा धर्म अर्थ धर्म पहले है अर्थ बाद में है और जहां जिस धन धनार्जन में अर्थार्जन में धर्म को लोग भूल जाते हैं वह धन निधन का कारण बन जाता है जो अधर्म पूर्वक कमाया हुआ अर्थ है वह अनर्थ करता है वह कभी भी व्यक्ति को समर्थ नहीं बनाएगा कभी उसको जो है सेवार्थ नहीं लगाएगा व्यक्ति क्योंकि उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है और आगे कहा है जो इस वेद मंत्र में कि हे गौतम प्रशस्त इंद्रियों वाले पुरुष हो कहा प्रभुस्तवन को चाहता हुआ जीवन में आनंद जॉय हैप्पीनेस की कामना करता हुआ प्रभु कृपा का अभिलाषी होता हुआ प्रभु की कृपा क्या है प्रभु हमारे लिए सब प्रकार से हमारा रक्षण करे हमारी सुरक्षा रखे हमको दुर्गुणों से दुर्व्यसनों से दुर्व्यवहारों से गलत कार्यों से गलत संस्कारों से हमको बचाए हम उस परमपिता परमेश्वर की कृपा चाहते हैं उसका फेवर चाहते हैं उसका प्रोटेक्शन चाहते हैं उसके हम अभिलाषी, तो ऐसा अभिलाषी होता हुआ त्याग की वृत्ति को अपनाना चाहता हुआ तो तिग्मोचिसे वेद मंत्र में आया तिग्मोचिसे अर्थात अत्यंत तीव्र जान की ज्योति वाले तिग्म शोचि से जहां पर अत्यंत तीव्र प्रकाश है ज्ञान की ज्योति है जहां पर तो ऐसे दिव्य ज्ञान की ज्योति वाले अग्नय उस अग्रणी प्रभु के लिए पूताह वाचा, पवित्र वचनों तथा गिरह स्तुति वाणियों को प्रारभस्व प्रकर्षण धारण करने वाला बन पिछले भी हमने चर्चा में इस बात का जो है प्रसंग आया था कि यदि हम प्रभु की कामना कर रहे हैं प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हैं प्रभु की उपासना में तल्लीन रहना चाहते हैं उसके आनंद की यदि हम अनुभूति करना चाहते हैं तो अपनी वाणी व्यवहार पर हमको नियंत्रण रखना पड़ेगा अपने वाणी व्यवहार का हमको पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा जो व्यक्ति अपनी वाणी पर ध्यान नहीं देता और किसी को कुछ भी बोल देता है अनर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं है जो अनावश्यक असंबद्ध प्रलाप करता है कोई बात करने का ढंग नहीं है और कुछ भी व्यक्ति बोलता चला जा रहा है तो जो अनर्गल या ये कहे कि अति में जो चला जाता है व्यक्ति उसकी वाणी का प्रभाव क्षीण होने लगता है और वाणी का प्रभाव क्षीण होता है तो ऐसा व्यक्ति उस प्रभु की उपासना उसकी अनुभूति उसकी प्राप्ति करने में असमर्थ हो जाता है हमारा मन हमारी वाणी हमारा कर्म उस प्रभु तक हमको पहुंचाता है इसलिए यहाँ कहा है कि पूताह वाचाह गिरा कि पवित्र वाणी बोलने वाला मैं बनूं। उस परमपिता परमेश्वर के प्रति भी और उस परमात्मा के जो बनाए हुए इंसान हैं, जो उसकी बेटा बेटी के रूप में है संताने हैं जो उसकी प्रजा है तो उसके प्रति भी हमारा वैसा ही भाव हो जैसा उस परमात्मा के प्रति है जैसा हम उसके लिए, स्तुतियों का, उसके लिए स्तोत्रों का उसके लिए मंत्रों का आश्रय लेकर के आधार मान करके उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं ऐसे ही अपने निजी संबंधों में अपने माता पिता के प्रति अपने मित्रों के प्रति भाइयों के प्रति अपने पति पत्नी के जो संबंध हैं जो बेटा बेटी के संबंध हैं जो गुरु शिष्य के संबंध हैं या संसार में जितने संबंध हम निभाते हैं उन संबंधों में उन उस परस्परता में वाणी की हम महिमा को सदा समझ करके बात करें कभी भी विनोद में भी हंसी में मजाक में ठट्टे में हम कोई ऐसा शब्द ना बोलें कोई ऐसी बात ना करें जिससे लोगों को पीड़ा हो जिससे लोगों को कष्ट हो अगर हम लोगों को कष्ट पहुंचाते हैं अपनी वाणी को बोल करके कठोर वाणी कर्कश वाणी को अभद्र वाणी बोल करके तो उससे प्रभु की कभी प्रसन्नता नहीं बढ़ेगी हम लोगों को तो हम दुखी करते रहें और माला जपते रहें हम लोगों को पीड़ित करते रहें उनको धिक्कारते रहें उनको अपमानित करते रहें और हम प्रभु की भक्ति करें तो उससे भी शांति नहीं मिलेगी शांति मिलेगी समाधि मिलेगी उसी को जो हरपल परम पिता परमेश्वर की वाणी को अपनी वाणी बना ले कल्याणी वेद वाणी के उपदेश को अपने जीवन का अंग बना ले तो वह वास्तव में गौतम बन जाता है गौतम ऋषि के समान हो जाता है प्रभु प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि हम पवित्र वचनों का उच्चारण करें और प्रभुस्तुति प्रति पादक वाणियों को अपनाएं, वे प्रभु हमें अपनी जान ज्योति से दीप्त करें और प्रभु स्तुति प्रतिपादक वाणियों को अपनाते हुए उन्नति के पथ पर चलते चलें पवित्र वचनों को अपनाने से हम प्रभु स्तवन कर रहे होंगे आनंद को प्राप्त हो करेंगे प्रभु कृपा के पात्र होंगे और हमसे त्याग वृत्ति पनपेगी हमारा जो भाव होगा हमें हम वह त्याग की भावना का प्रादुर्भाव होगा क्योंकि संसार किसी का नहीं है और सबका है संसार किसी की जागीर नहीं है क्योंकि एक दिन इसको छोड़ करके जाना है हम ऐसे ज्ञान को आत्मसात करें जो सदा के लिए है जो जन्म जन्मांतरों तक चलती रहे पवित्र वचन व स्तुति वाणी प्रभु को पीड़ित करने वाली हो प्रभु को प्रसन्न करने वाली हो जैसे माता पिता की आज्ञा का पालन हम करते हैं तो वे हमारा सदा ही उत्कर्ष करते हैं हमको शुभाशीष देते हैं और इस प्रकार से संसार में भी सुख शांति का जो उपाय है अपने मन वाणी और व्यवहार से हम सुख शांति आनंद की प्राप्ति करते हैं दूसरों को भी देते हैं और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो कैसे सुख शांति मिलेगी कभी मिल नहीं सकती सत्कर्म करना पड़ेगा मनवाणी और शरीर से इसको धारण करना पड़ेगा बहुत सुंदर बात कही है कि प्रभु को जो भुला देते हैं उसकी आज्ञा को जो भुला देते हैं उसके विधान को संविधान को उसके विधि और निषेध को जो भुला देते हैं वो खुद भी रोते हैं दूसरों को भी रुला देते हैं वो खुद दुखी होते हैं दूसरों को भी दुखी करते इसलिए बहुत सुंदर बात कही है सुख शांति चाहने वाले को दुष्कर्म कमाना नहीं सत्य पथ के पुजारी प्रेमी को उल्टे पथ पर जाना ठीक नहीं यह तेरी इच्छा पर निर्भर शुभ कर्म करे या पाप करे यह तेरी इच्छा पर निर्भर शुभ कर्म करे या पाप करे पर फल पाने में बंधा हुआ यह न्याय भुलाना ठीक नहीं सत्य पथ के पुजारी प्रेमी को उल्टे पथ पर जाना ठीक नहीं भला बीज आक का बो करके आमों को कैसे पा सकता जो बोया उसको पाना है आक्षेप उठाना ठीक नहीं करता हूं सावधान सुन ले उल्टे कर्मों को करना मत वरना ऐसा दुख पाओगे जिसको बतलाना ठीक नहीं जिसको जतलाना ठीक नहीं पिछले शुभ कर्मों के फल से मनुष्य का यह चोला पाया है पापों में फंसकर कर ए प्यारे इसे व्यर्थ गवाना ठीक नहीं यदि हमसे कोई भूल हुई उसका फल संकट भोग मिले परिणाम मिले जब करने का तो फिर घबराना ठीक नहीं सुख शांति चाहने वाले को दुष्कर्म कमाना ठीक नहीं संसार में रहने वाले को यदि हंसना नहीं सिखा सकते यह विश्व प्रेमी तुम याद रखो बतलाया है महापुरुषों ने दुनिया में रोता आया था अब रोते जाना ठीक नहीं सुख शांति चाहने वाले को दुष्कर्म कमाना ठीक नहीं सत्य पथ के पुजारी प्रेमी को उल्टे पथ जाना ठीक नहीं उल्टे पथ जाना ठीक नहीं तो हम सत्य के पुजारी बने धर्म का स्वकर्म का पालन करें और अपनी वाणी को पवित्र करें रसदार बनाए सरस और मधुर और उत्साह से उमंग से दूसरों को तृप्त करने वाली बनाए तो यहीं पर विराम देते हैं शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे ओम शांति 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 ही, शान्ति ही, शान्ति ही।